चलिए ये बात तो कंफर्म हो ही गई है कि अब पारस की भाभी बनकर शेफाली जरीवाला घर के अंदर आ रही हैं। ये खबर मैंने आपको कल ही दे दी थी कि जब सबके घर वाले घर के अंदर आ रहे हैं, ऐसे में पारस के घर से आ रही हैं शेफाली जरीवाला उनकी भाभी बनकर। लेकिन अभी जो है इक्वेशन कैसे चेंज होगा मैं आपको बताती हूँ। अंदर हिमांशी खुराना है जो आसिम के लिए कनेक्शन बनकर आई हैं, शेफाली जरीवाला है जो पारस के लिए कनेक्शन बनकर जा रही हैं। हिमांशी उनकी दोस्त है शेफाली जरीवाला की, आसिम हिमांशी और जो है शेफाली जरीवाला तीनों अच्छे दोस्त हैं। शेफाली ने घर से बाहर आने के बाद ये बयान दे दिया कि आसिम जो है वो उनकी उनसे नज़दीक आना चाह रहे थे और जब इन्होंने शेफाली ने उनको बोला कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और शादीशुदा हूँ, तब जाकर उन्होंने हिमांशी की तरफ अपना फोकस किया और उसके बाद हिमांशी से दोस्ती की। तो क्या शेफाली अब घर के अंदर जाकर ये सच हिमांशी खुराना को बताएंगी? क्योंकि जब वो घर के अंदर थे और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बॉन्डिंग हो गई थी, तब तो शेफाली ने ये बात हिमांशी से शेयर नहीं की कि आसिम ने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया था। अब क्या जब वो घर के अंदर जा रही हैं तब वो चाहेंगी कि ये जो इक्वेशन बन रहा है आसिम और हिमांशी के बीच में वो टूट जाए? क्योंकि हिमांशी अगर उनकी दोस्त है, हिमांशी ने शेफाली के पति के साथ ये मैसेज भिजवाया कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये शेफाली की एक मॉरल ड्यूटी बनेगी, वो वेलविशर बनना चाहेंगी और हिमांशी को ये सारी बातें ज़रूर बताएंगी कि देखो आसिम ने मेरे साथ ये करने की कोशिश की थी और अगर तुम आसिम के साथ किसी भी तरह का रिलेशन सोच रही हो तो ये देख लेना या सोच लेना कि आसिम ने मेरे साथ ये किया था। तो अब शेफाली जरीवाला जब घर के अंदर वापस जा रहे हैं कॉन्टेस्टेंट बनकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन बनकर पारस का, तो ऐसे में वो गेम नहीं खेलेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पर जो गेम खेल रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है आसिम, उसको तोड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगी। वो पारस की दोस्त बनकर बाहर निकली थी, भले ही घर के अंदर गई तब वो आसिम की दोस्त बनी हो, हिमांशी की दोस्त बनी हो, लेकिन जब वो घर छोड़कर बाहर निकली हैं तब उनकी दोस्ती जो है पारस और माहिरा से ज़्यादा थी। ऐसे में वो चाहेंगी, और वो पारस का कनेक्शन बनकर भी जा रही हैं, ऐसे में वो चाहेंगी कि उनका कंटेस्टेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग बने। और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि जब वो आसिम को जो है तोड़ दे, और वो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो अगर हिमांशी को जाकर ये सारी बातें बताती हैं और हिमांशी जो है आसिम का जो प्रपोज़ल है शादी का वो ठुकरा देती हैं। तो देखना ये होगा कि जब अब शेफाली घर के अंदर भाभी बनकर जा रही हैं तो क्या वो हिमांशी और आसिम के बीच के रिश्तों की में दरार लाने में कामयाब होंगी या नहीं होंगी। तो आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।